गैस बैक टू माय चैनल। मैं आशा जानवी फैमिली ब्लॉग में आप सबके बहुत बहुत स्वागत है। तो आज ही दशहरा है, तो आप सबको हैप्पी दशहरा, और दशहरा की बहुत बहुत आप सबको मुबारक हो, और जीवन में खुशियाँ लाएं, और जो भी कष्ट परेशानी बुरी चीज़ है वो जल के भस्म हो जाए, और नई जिंदगी की आप लोग शुरुआत कीजिए। और आज जो है जानवी की बर्थडे है, जन्मदिन है, 5 अक्टूबर की होती है, तो दशहरा वाले ही दिन उसकी जन्मदिन है। तो आज मैं बता रही हूँ कि ज़्यादा कुछ तो मैंने नहीं किया है, क्योंकि दिवाली की तैयारी भी चल रही है, बीच में करवा चौथ भी है, और घर के काम भी हो जाती है काफ़ी सारे, तो ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया है। बस ड्रेस तो उसको ला दी है मैंने, दिवाली का और उसका बर्थडे का ला दिया है, और जो है कि बस यही थोड़ा छोटा सा एक बड़ा केक मंगाएंगे, और फिर बड़ा केक मंगाएंगे, बस कट कर लेंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे, उसकी कुछ गिफ्ट दे देंगे, यही हो जाए। क्योंकि त्यौहार बीच में नहीं आता, तो मैं उसकी बर्थडे जो है जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाती, और नहीं हो पाया, मतलब टाइम नहीं मिला। सब कुछ है लेकिन टाइम की वजह से इसके पापा आज नहीं है, क्योंकि जो दिवाली का सामान है वो लेने गए मार्केट, तो उनके पास टाइम नहीं है। देखो, जब बच्चा के अकेले लेके मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं होगा, है ना। बच्चे संभालना पड़ेगा, हर बाहर जाओ तो बच्चों का देखना ज़रूरी होता है ना, ज़रा सा इधर उधर हो बच्चे खो जाएंगे, फिर मैं क्या कर सकती हूँ। तो इसीलिए जो है कि ये भी नहीं है घर पे, और इनके पास टाइम नहीं है, और कोई है नहीं जो दूसरा साथ दे दे, तो इसीलिए मैं बस छोटा सा करूँगी। और खाना मैं बनाने वाली थी, मैं सोच रही थी कि पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी, मटर पनीर, और फिर गोभी की और आलू की सब्ज़ी बना दूंगी, और फिर राजमा बना लूंगी। तो राजमा परसों मैंने बना लिया था, इसलिए नहीं बनाऊंगी। और बारिश हो रही है, तो सबसे पहले घर के पास वाले मार्केट कौन जाएगा पनीर लेने के लिए, है ना। और फिर मैंने सोचा कढ़ी चावल बनाएंगे, तो दही, बारिश हो रही है तो फिर दही भी नहीं है, कल मंगाया नहीं था क्योंकि कोई काम से बाहर चले गए थे, इसलिए मंगाया ही नहीं मैंने। और तो फिर जो है ये मैंने सोचा चलो नहीं है तो सबसे अच्छा जो है चने की दाल बनाऊंगी, और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी, चावल और रोटी, और बस यही रहेगा फ़िलहाल, क्योंकि त्यौहार आ रहा है तो कुछ नया फिर तो बनता ही रहेगा, है ना। तो इस तरीके से मैं इसकी बना लूँगी जन्मदिन, और छोटा सा कुछ शगन उगन दे दूँगी बच्चों के, खुश हो जाएंगे, है ना, इसी में बच्चे खुश हो जाते हैं, थोड़ा सा शगन कर लेंगे। हर माँ बाप को थोड़ा ये होता है बच्चों के लिए कुछ करे, और बारिश में दशहरा है तो बाहर कोई निकलेगा ही नहीं। और जो मैंने फल काटा है इसको, तो इसको केशव को भोग लगाऊँगी, लड्डू गोपाल के उनके लिए काटा है, तो झाड़ू भोग लगाऊंगी उनको। और यहाँ पे देख सकते सारे मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, केशव, माधव, कन्हैया, हनु के गले की जो है वो अभी कहीं रखा हुआ है, क्योंकि जो है अष्टमी पे उधर पुधर हुआ था तो कहीं रखा हुआ है, मैं इनको ढूंढ के आज पहना दूंगी। और ये हाथी उथी के जो है, और शेर उर जो है मिष्टी, मतलब जानवी ने इसको यहाँ पे रख दिया था सजा करके, और इनके बहुत सारे खिलौने हैं। तो यहाँ पे इनकी फल फूल रखा हुआ है, सेब और अमरूद, और पानी अपना खा पी लेंगे। और इस तरीके से मंदिर है, अब मायके भी अब देख ही चुके हो, मायके कितनी प्यारी लग रही है। और यहाँ पे भी जो है शेर और ऊँट जो है रखा हुआ है, यहाँ पे कलश में मोर रखा हुआ है, यहाँ पे लाडो बैठी हुई है श्यामा, देख सकते हो। तो ये लोग अपना जो है खाना वाना खा लेंगे, अपना फल फूल, और आराम से बैठे हुए, सारे नहा हुआ लिए थे सुबह ही, सारा काम हो गया था मेरा। अब मैं जाऊंगी तो किचन में लगूंगी, और जानवी भी सो रही है अभी। अरे राधा देख सकते हो, प्यार से पास से दिखाऊंगी, प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है ना। और यहाँ पे देख सकते हो जान भी सो गई है, क्योंकि सुबह नहा ली थी और ये थक गई थी, सुबह उठ गई थी तो ये सो गई है, और इसको थोड़ी देर सोने दूंगी, बाद में उठाऊंगी।
और मैं धीरे से बोल रही ताकि ये उठ ना जाए और चिक चिक सी हो जाएगी। और अभी मैं जाऊंगी किचन में, बहुत सारे काम है, उथला पुथला हुआ पड़ा है सारे। और मैं कल रात को मार्केट चली गई थी तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी मैं, तो इसके पापा ने बोले थे सो जाओ सुबह कर लेना काम, तो मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं किया था और जो है इसीलिए काम बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ, कैसे करूँगी मैं। तो अभी मैं जाऊँगी और बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाऊँगी, फिर मैं बनाऊँगी फिर वो चने की दाल और चावल और आलू गोभी की सब्ज़ी, और फिर बनाऊँगी रोटी, रोटी भी बनाऊँगी और देखूँगी, क्योंकि खीरा सही नहीं था नीचे वाले को। और सलाद वाला सलाद रहेगा और पापड़ अचार रहेगा, यही बनाऊंगी फिलहाल, क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश में कौन जाएगा बाहर। और अचानक से मौसम गड़बड़ हो गया था, ख़राब हो गया था और बारिश होने लग गया था, तो हम लोग जो है ना कहीं जा नहीं पाएंगे। और एक देख सकते हो ये कि ये दाना है ना, बहुत खुजली हो रही है, पेन हो रहा है इसमें बहुत ज़्यादा। और इनके पापा भी गए हैं, जो दिवाली का सामान लाना है ना वो ही लेने गए हैं, और पता नहीं बारिश हो रही, मेरी मैंने कॉल भी किया था तो उन्होंने मेरा कॉल भी रिसीव नहीं किया था, और हो सकता है बारिश की मौसम में सामान लेने गए हैं तो बहुत ज़्यादा जो हो परेशान हो जाते हैं बंदा, और एक एक चीज़ ढूंढना पड़ता है, लेना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है, कैसी कैसी मतलब कितनी हमारे को जो है मेरे ऊपर जो है बैलेंस पड़ेगा, कितनी क्या होगा, मतलब कितनी क्वांटिटी की मतलब चीज़ लेनी है, कैसे क्या करना है, क्योंकि हर तरीके के कस्टमर आते हैं। जैसे कि कोई कस्टमर आते हैं तो कोई कितना वाला भी लेते हैं सामान, कोई कितना वाले भी लेते हैं, तो इसी हिसाब से हर तरीके के मतलब सामान रखना पड़ता है ना, तो इसी हिसाब से उनकी करनी पड़ती है, एक एक चीज़ देखनी पड़ती है, और उनकी एक बार नहीं पाँच दो तीन बार चक्कर लगेगी उनकी मार्केट, जहाँ से माल आते हैं तो लेने के लिए गए रात को ही, बहुत सारे चीज़ जो है देखा था कौन सी चीज़ है या नहीं है, तो फिर चले गए। अब मैं जा रही किचन में लगूंगी, अभी 3 बज रहे हैं तो अभी लगते लगते फिर टाइम हो जाएगा, फिर क्योंकि जानवी की उठेगी तो फिर उसको भी मुझे देखना पड़ेगा, तब तो मैं जा रही हूँ किचन में लगूंगी, चलिए फिर किचन में जा रही हूँ लगूंगी। और ये देख सकते हैं 3 बज रहे, क्योंकि मेरी घड़ी जो है आगे है, 3 बज रहे हैं। तो अभी मैं किचन में दाल चढ़ा कर आई हूँ और अभी मैं एप्पल खा रही हूँ, जो मैंने वो के लिए जो काटा था वो वाले। और अब जो है मौसम थोड़ा थोड़ा साफ लग रही है और थोड़ा धूप भी आ गई है बाहर, मैंने देखा है, और अचानक बादल बन जाती है तो पता ही नहीं चलता। अभी मैंने गैस पे भी मैंने दाल चढ़ा करके आई थी और अभी जानवी सो ही रही है, अभी उठी नहीं है। मुझे ना फ्रूट वगैरह बहुत पसंद है, सबसे ज़्यादा फ्रूट पसंद है, और ककड़ी और खीरा और सलाद और मूली, ये सब चीज़ मुझे बहुत पसंद है, और हरा सब्जी सबसे ज़्यादा पसंद है, हरा सब्जी सबसे ज़्यादा, और तला हुआ चीज़ से मुझे उतनी नहीं है, कम खाती हूँ, और कम घी वाले, जैसे कम घी वाले हो और फिर कम तेल रिफाइंड वाली चीज़ वो मैं ज़्यादा खा लेती हूँ, लेकिन हरी चीज़ बहुत खाती हूँ, सबसे ज़्यादा खाती हूँ अब बहुत ज़्यादा। और जानवी भी उठ गई है, आ जाओ जानवी, आ जाओ ऊपर, देखो अभी ये उठी है, अभी इसकी बाल बनाऊंगी मैं, बाय बोलो। और इसकी जो है ना बर्थडे वाले दिन ही आज इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो है वो सर्दी खांसी जुकाम लगी पड़ी है, और
थोड़ा जुकाम सा है, तो उसमें तो पता ही है आपको कैसा मौसम, कैसा खांस रही है और कैसा स्थिति होती है। थोड़ा कुछ खाने के पीने की, ना खाने का दिल करेगा ना कुछ, अजीब अजीब सी लगती रहती है हर चीज़, तो कुछ भी नहीं खा रही है। बस इसको थोड़ा मैगी बनाया था और देखती हूँ खाना बनाऊंगी तो इसको खिला दूंगी, और इसको अब थोड़ी देर बाद मैं रेडी कर दूंगी। अभी सो के उठी है, 2-3 घंटे सो गई थी। खाना है, खाना ठीक है, मना कर रही, नहीं खा रही है, कम खाती है, पहले नहीं ठीक रहती है तो खाती है ज़्यादा, मैं ये सब चीज़ खिलाती हूँ और ये कम खाती है। अब किचन में बाय आई हूँ कर खाना दो। की तैयारी करने के लिए। और बारिश की मौसम हो रही है, खूब तेज़ हो रही है, तो ज़्यादा ठंडी लग रही है और हवा भी चल रही है। और बच्चे जब तक सो रहे, जब तक मैं जल्दी जल्दी खाना बना लूँगी, उतनी मेरे लिए बहुत आसान तरीका रहेगा। तब मैं यहाँ पे ऑयल डाल रही हूँ और सब्ज़ी भी बनाऊँगी, एकदम सिंपल सा सब्ज़ी बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी। और बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ मैं आज। और क्योंकि मैं इस तरीके की सब्ज़ी इसलिए बनाती हूँ क्योंकि ज़्यादा तो मुझे प्याज लहसुन अब पसंद नहीं है, कम है, और फिर भी मुझे क्योंकि भोग के लिए होता है, मेरे घर पे लड्डू के लिए, कान्हा मतलब केशव के लिए भी खाना बनाना होता है, तो उनके लिए भी बनाती हूँ मैं। तो बस थोड़ा सा हींग डालूँगी और उसके बाद मैं जीरा ऐड करूँगी और उसके बाद मैं थोड़ा सा जो है खड़ी मसाला डालूँगी, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी। फिर थोड़ा सा जैसे कि बड़ी इलायची, दालचीनी, यही ऐड करूँगी, और बस साबुत जो है मिर्च 3-4 वो हम डाल दूँगी, और बस ब्राउन हो गया। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा गोभी। तो फिर आज मुझे ना सब्ज़ी वाले आए थे ना नीचे, तो वो सब्ज़ी पता है गोभी इतनी महंगी दिया था, 100 रुपये किलो दिया था, और फिर उसने बोला ले लो 70 रुपये लगा दूंगा। गोभी उतनी अच्छी नहीं थी फिलहाल, इतनी छोटी छोटी सी फूल थी ना, 3-4 ही फूल था, और लेकिन ठीक था और ज़्यादा उतना नहीं था, और बहुत महंगी दिया था, फिर भी मजबूरी में लेना पड़ा। और मुझे कढ़ी भी बनानी थी, मैंने सोचा चलो कढ़ी बनाऊंगी, तो फिर बारिश हो रही थी तो कौन जाएगा नीचे दही लेने के लिए, तो इसीलिए फिर वो उसको मैंने कैंसिल कर दिया। फिर मैंने सोचा कि राजमा चावल बनाऊँ, तो 2 दिन पहले ही राजमा चावल बनाया था मैंने, हम सब ने खाया था, तो देखो 1-2 दिन गैप भी नहीं हुआ ज़्यादा दिन, और राजमा चावल फिर बना ले तो अच्छा नहीं होगा। अब पनीर भी लाना था, तो फिर बारिश हो गई थी, वो भी कैंसिल हो गया था, कढ़ी का भी कैंसिल हो गया था। तो फिर मैंने सोचा छोड़ो सारे झंझट, हम ना दाल चावल और गोभी आलू की सब्ज़ी बना लेते हैं, और पापड़ ऊपर तल लेंगे और सलाद वगैरह रहेगा। तो फिर मैंने सोचा चलो यही कर लेता, बारिश इतनी तेज़ होने लग गई है ना, अब बारिश होना नहीं चाहिए था, तब भी बारिश होने लग गया था फटाफट से। और क्योंकि अभी त्यौहार का, फेस्टिवल का, सारे सारे मतलब जनों की शॉपिंग करनी होती है, तो उन लोगों के लिए मार्केट में मतलब खुला रहना ज़रूरी है और बाहर भीतर आना ज़रूरी है। और इस तरीके जो है बारिश हो रही है तो हर किसी के लिए परेशानी की मतलब वो है ना। और तो फटाफट से मैं यही जो है बस गोभी में नमक डाली हूँ अपने हिसाब से, और बस ये सॉफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा भुन जाएगा तब कुछ डालूँगी। अब मैंने 5-6 टमाटर काट के रख लिया है, और इस गोभी में जो है ना सब्ज़ी में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला, जीरा का तड़का लगाया बस इसी चीज़ का, और खड़ी मसाला, साबुत मिर्च, तो अब इसमें मैं डाल दूँगी, नमक डाल चुकी हूँ, अब इसमें 3-4 टमाटर काट के डाल दिया है, और बस इसको सॉफ्ट होने दें, सॉफ्ट हो गया है लेकिन फिर भी थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे, और इसमें बहुत आसानी से अच्छे से गल भी जाएगा। और इस तरीके के मैं सब्ज़ी इसलिए बनाती हूँ क्योंकि केशव के लिए भी भोग लगती है, इसलिए मैं बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे हल्दी डाल दूँगी, और बस उसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी लाल मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, ज़्यादा मिर्च नहीं करूँगी क्योंकि जानवी बहुत बोलती है मम्मा बहुत मिर्च डालती हो, थोड़ा सा भी डालती हूँ ना तब भी। फिर यहाँ पे साबुत धनिया, बस इसको मिक्स कर दूँगी, और ये मिक्स हो जाएगा तो बस लो फ्लेम पे ही इसको पकाऊंगी, फिर इसको ढक देती हूँ, सॉफ्ट होके एकदम गल जाएंगे जब तक सब्ज़ी यहाँ पे हो रही है, जब तक फिर मैं सब्ज़ी को दूसरी गैस पे रख दूँगी, और फिर मैं दाल को तड़का लगाऊँगी दाल को।
और फटाफट से बना लेती हूँ। जान भी कभी भी उठेगी ना तो वो रोने लगती है, सबसे पहले रोती है और मम्मी को ढूंढती है, तो फिर उसको थोड़ा लेना पड़ता है, ज़्यादा टाइम उसमें मुझे देना पड़ता है। तो उससे पहले जो काम हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छी बात है और ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे ऑयल डालूँगी फटाफट से, और फिर जो है थोड़ा सा जो है मैं हींग ऐड करूँगी, बस जीरा और टमाटर इसी की तड़का लगाऊंगी, और ऊपर से जो है बस वही डाल दूंगी, धनिया वगैरह बस बन जाएगी। फिर हींग डाला और जीरा डाला और साबुत मिर्च डाला था, और ये साबुत मिर्च मैंने घर पे ही सुखाया था, जो बाज़ार से लाया था उसको सुखा करके रख दिया था। पर 3-4 टमाटर के मैंने कट कर लिया था, और इसके मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी स्वाद अनुसार, और इसको भून दूंगी थोड़ा सा, जो है टमाटर की जो होती है ना हरी हरी वो मर जाएगी। और बस मैंने हल्दी डाला, लाल मिर्च डाला, अब बस इसके साथ साथ जो दाल था ना उसको मैं इसमें डाल दूंगी, बस दाल उबलने लग जाएगी तो इसमें जो है काली मिर्च ऐड कर दूंगी, ऊपर से हरा कटा हुआ बारीक धनिया, और बस इसको थोड़ा पकाऊंगी, बस दाल बन जाएगी और उबाल आ गई है। दोनों तरफ देख रहे हो सब्जी बन रही थी, सब्जी में मैं डाली गरम मसाला और हरा धनिया और काली मिर्च, बस सब्जी भी बन रही है, थोड़ा सा और बनेगी सब्जी गलेगी, और यहाँ पे दाल देख सकते हो बन के रेडी हो गई है, बहुत जल्दी दाल बन जाती है। अब तब तक मैं यहाँ पे गैस पे पापड़ तल लूँगी, जो ये जो मार्केट की है जो लेकर के आए थे राशन के साथ, ये पापड़ अच्छे लगते हैं कभी कभार। मैं सुबह की उठी थी ना, मुँह भी थक गई थी, कभी कभी ना आलस हो जाती है ना काम करते करते भी, और बस यहाँ पे ये वाले चिप्स भी मार्केट की है, जान भी बहुत पसंद करती है। पापड़ तल लिया, फिर यहाँ पे मैं चावल चढ़ा दूँगी फटाफट से, सब्जी और सब्जी दाल बन गया। यहाँ पे चावल में मैं बस थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और जीरा का तड़के लगाऊंगी थोड़ी सी, क्योंकि इससे ना थोड़ा सा चावल की थोड़ा सा जो है ना इसकी लुक चेंज हो जाती है, अच्छा भी लगता है खाने के लिए, और फिर खिली खिली सी भी बनती है, तो इस हिसाब से मैं थोड़ा सा कर दूंगी। कभी कभी बनाने का मौका मिलता है तो कभी कभी बनाती हूँ, ज़्यादा तो टाइम नहीं मिलता है तो इस तरीके से मैं नहीं बना पाती हूँ, और बस इसी तरीके से थोड़ा सा कर दूंगी। और उधर जानवी के भी मुझे देखने जा रही हूँ कि इसके पापा का भी कॉल आ गया था, इन्होंने बोले थे कि बताया था कि मैं आ रहा हूँ, तो मैंने सोचा चलो आ जाओ, मेरा खाना पीना भी रेडी है। और उसने पूछा था कि केक कौन सा लाना, मैंने बोला कोई सा भी ले लो, बच्चे के लिए चाहिए है ना। और यहाँ पे बस 3 मगा मैंने पानी डाल दिया कप से, और फिर बस पानी लगा दे, सीटी लगा दो लगाऊंगी, बस बन जाएगी चावल और सब कुछ रेडी है खाने में। और जानवी भी उठने वाली है, और इसके पापा का कॉल आया तो वो भी आने वाले हैं, और बस ज़्यादा किसी को नहीं बुलाया था, जिदा शहरा वाली दीना। और देखो जानवी केक कट कर रही है, और क्योंकि अभी मैं इसमें नहीं हूँ, इसके पापा भी फ़ोन पे लगे क्योंकि कोई इमरजेंसी काम आ गया था, तो इसीलिए जो है करना पड़ा इसको, बेटी के पास मैं नहीं हूँ, मैं हूँ पास में ही नीचे हूँ, और किसी कोई आ गया, किसी को इमरजेंसी कुछ था तो उससे मैं बात कर रही थी, तो प्लीज़ ये मत सोचिएगा बच्चे अकेले केक कट करे, इसके लिए सॉरी। और इसके पापा है क्योंकि इमरजेंसी कॉल आया था तो उसको देखना बहुत ज़रूरी था, तो देखो कभी किसी की इमरजेंसी आती है तो उसमें देखना पड़ता है तो पहले, है कि नहीं है। अब बच्चे की भी खुशी है, आप सबके हैप्पी दशहरा, आपसे फिर बोल देती हूँ। और ये पापा की इनकी हम सब की तरफ से बहुत बड़ा टैडी है, और केशव माधव के लिए लेकर आए थे, और ये बस डांस कर रही है और तैयार हो गई थी, बहुत एक्साइटेड थी, बच्चे की कितनी खुशी होती है ना, छोटी छोटी खुशी होती है। और बहुत बड़ा टेडी लाना पापा जी, बहुत बड़ा टेडी लाना और यहाँ पे जलेबी भी लेकर आ गए थे, और बहुत मतलब ये ज़्यादा कुरकुरे नहीं थे, मुझे कुरकुरे अच्छे लगते ये देखो हैं। जलेबी आए हैं दशहरा की, आज हम लोग जलेबी खा रहे हैं।